हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सोनेट में। एक कंसर्न आया है नया, इसमें हम आपको बताएंगे। जैसे आपका जैसे आगे के सीट बेल्ट होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे सीट बेल्ट जो होते हैं, हमने इसको लगाया, एक सीट बेल्ट लगाया यहाँ पे, इसको हटाने कर दो। यहाँ पे लाइट आती है, ये जो इंडिकेशन आ रहा है ये सीट बेल्ट का आता है, ठीक है। ये सीट बेल्ट का जो इंडिकेशन जब हटता है, जब दोनों आगे की सीट बेल्ट होते हैं वो दोनों लगा लेते हैं। जैसे देखो, ड्राइवर हमने का पहले सही है। लगाया, ये हमने ड्राइवर वाला लगाया, और इधर लगा लेता हूँ मैं ये पैसेंजर वाला। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ हमने जैसे ड्राइवर वाला लगाया सीट बेल्ट, देखो ये लगा पड़ा है, और जो यहाँ पर लाइट आनी चाहिए वो देखो चली गई है। इसको हटाना, एक बार इसको हटा दिया, अब देखो लाइट आ गई है। नॉर्मली होना ये चाहिए कि दोनों सीट बेल्ट लगनी चाहिए। एक तो ये हो गया अपना, ये लगा लिया, देखो यहाँ पे लाइट चली गई, लेकिन जानी नहीं चाहिए। अब मैं इसका, ये देखो लेफ्ट वाली भी लगाता हूँ, ये देखिए ये दोनों लगा ली है, तब ये साइन जाना चाहिए था। लेकिन ये एक ड्राइवर साइड में ही लगाने से ये लाइट चली गई है, तो ये कंसर्न है। अभी हम आपको दूसरी गाड़ी भी चेक कराते हैं कि एक्चुअल में नॉर्मल क्या कंडीशन होती है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरी गाड़ी है, सेम मॉडल सोनेट की है। अब इसमें देखो क्या है, अब देखो ये लाइट आ रही है अभी नॉर्मली इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें हम सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्राइवर साइड वाला ये हमने लगाया, देखो तब भी यहाँ पे लाइट है, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड यानी मैंने नहीं लगाया, एक ही सीट बेल्ट लगाया आगे का। अब मैं देखो अपना भी सीट बेल्ट लगा लूँगा, देखिए मैंने ये भी लगा लिया, अब दोनों सीट बेल्ट लगे हैं। जब ये नॉर्मल लाइट जानी चाहिए तो ये ओके है, लेकिन उस गाड़ी में क्या है कि ड्राइवर वाला ही अपनी सीट बेल्ट लगाने के बाद वो सिग्नल चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसका डायग्नोस कर लेते हैं दोस्तों, डायग्नोस करने के बाद आपको बताएंगे अगर ऐसी दिक्कत आती है आपकी सोनेट में, किया सोनेट में, तो क्या पार्ट फेलियर है और क्या पार्ट चेंज होगा, तो हम आपको बताते हैं अभी। थैंक यू दोस्तों। इसका जो वेट सेंसर हमें इस फाइंडिंग करने पे वेट सेंसर मिला है, जो सीट के कुशन में नीचे लगा होता है, जो कि देखो ये वेट सेंसर है, ये ख़राब हो गया है, जिस वजह से वो जो लाइट है वो नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। अब देखो यहाँ पे शो हो रही है लाइट, ठीक है। अब इसका हम सीट बेल्ट लगाते हैं, वहाँ से चली जाएगी लाइट, लाइट देखो देखो फैल जाएगी लाइट चली गई है। वहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता देता हूँ, वहाँ पर देखिए देखो लाइट चली गई है, और ये हमने सीट बेल्ट लगा रखा है। और अब यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, देखो वेट गया लाइट आ अब गई। इसको जो ये वेट सेंसर होता है, वेट मतलब जैसे कोई बैठता है, जब ही ये एक्टिवेट होता है। अब देखो इसको हम करते हैं, इसका जैसे ही वेट आया तो ये देखो तुरंत इसमें लाइट आ गई है। बस सीट लगने के बाद ये चला गया है। अब देखो दोनों लग रहे हैं, देखो इधर का भी लग रहा है, लेफ्ट राइट दोनों का हमने सीट बेल्ट लगा रखा है, और ये लाइट चली गई है। पहले क्या था कि सिर्फ राइट पे लगाने पे ये सिर्फ बंद हो जा रही थी लाइट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वेट सेंसर का इशू है दोस्तों, वेट सेंसर ख़राब होने के कारण ऐसी दिक्कत आती है। अगर आपकी सोनेट में भी ऐसी दिक्कत आए, तो आप कहीं भी इसको सर्विस सेंटर में जाके चेंज करा सकते हैं, और आपका कंसर्न रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए। थैंक यू।